तो ये देखो, ये सारे शीशे भाई इसके अंदर गिरे हुए हैं, देख रहे हो। मुझे नहीं पता किसने तोड़ी है क्या है, लेकिन फिर भी ये देखो भाई हालत देखो गाड़ी की। ऐसे कमेंट करके बताना कि कोई कर सकता है। ये मेरा थॉट कैसा है पता नहीं, क्या बोल रहा हूँ, गालियां ही पड़ेंगी तुम सब लोगों से जीनोसो को बेचने का अगर मैं सोच रहा हूँ। क्या बात है, मतलब 200 रुपए दिन का कमा के खुशी है लाइफ में या नहीं है? ठीक है, थैंक यू। बट हमें जो पैसा आता भी, मैंने तुम्हें बोला खुश रहना सीखो, थोड़े में भी व्यूज अगर ज्यादा नहीं आ रहे फिर भी खुश रहो। आज के इस ब्लॉग की शुरुआत फिर से अपने घर से करते हैं, जिसके आपको कल पता है कि हम जम्मू आ गए हुए थे, और जम्मू में ना ये मेरा पहला ब्लॉग होगा जो कि मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अभी अपने घर की एक अपडेट देता हूँ, एक बैड न्यूज़ है हमारे लिए। पता नहीं भाई कौन क्रिमिनल इंसान जो है हमारे घर पे आ गया था, जिसने ना हमारी गाड़ी तोड़ दी है भाई। मैं तुम्हें ये चेक करके बताता हूँ, ये देखो एक पत्थर यहाँ पे भी मारा हुआ है, पूरा शीशा टूटा हुआ है, देखो भाई मतलब गाड़ी तोड़ दी, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने ना पार्किंग में लगा के रखी थी मट्टू मेडिकेट के बाहर, उस बंदे को इतना ख्याल नहीं है कि भाई किसी ने मेहनत करके 2017 में गाड़ी ली हुई है, 2017 से लेके 2023 तक, मतलब इतने टाइम से हमारे पास इतनी ज़्यादा प्यार होता है अपनी पर्सनल गाड़ी के साथ, लेकिन उस बंदे ने तोड़ दी है। अब मुझे नहीं पता किसने तोड़ी है क्या है, लेकिन फिर भी ये देखो भाई हालत देखो गाड़ी की। ऐसे कमेंट करके बताना कि कोई कर सकता है। शीशे की हालत देखो, ये इसको पत्थर यहाँ पे भी मारा हुआ है, एक पत्थर उस तरफ वाली साइड भी मारा हुआ है, ठीक है। मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा, देखना साथ में एक और शीशा तोड़ा हुआ है, ये है ये शीशा इधर से, ये देखो ये। अब तुम खुद ही बोलना ऐसा कौन सा दुश्मन होगा भाई जो इतनी बड़ी दुश्मनी कर सकता है हमारे साथ, जो कि हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ गया, मतलब पूरी गाड़ी ख़राब कर दी, मैं बदसूरत बना दी। पापा बहुत परेशान थे, मैंने बोला कोई बात नहीं इंश्योरेंस ले लेंगे गाड़ी का, कोई के चक्कर नहीं है, इंश्योरेंस इंश्योर्ड है हमारी गाड़ी, ठीक है। तो लेकिन कमेंट करके बताना किसको इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो सकती है हमसे कि फिलहाल यहाँ से निकालते हैं अपनी Z900। कोई बात नहीं, शीशा लगवा देंगे, तो Z900 अपनी यहाँ पर लगी हुई है, इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट। Z900 है भाई, जो मर्जी बोलो, इसको मैं ट्रिप पे लेके गया ना भाई, भाई जितना कंफर्ट इस बाइक ने मुझे दिया ना, मुझे नहीं पता बहुत बड़ी बड़ी बाइक्स होंगी, BMW S1000 RR है, S2 है, लेकिन ये बाइक जो मज़ा देती है ना भाई, मतलब वाकई यार, मतलब ट्रिप पे तुम मज़े से ले सकते हो, मतलब मेरा मन कर रहा था ना मैं इस पर सो जाऊँ यार, इतनी अच्छी बाइक है, ठीक है। अभी कोल्ड स्टार्ट हो रही है, इसको वॉश करवाते हैं, पहले खोलते हैं अपना गेट। तो ये देखो, ये सारे शीशे भाई इसके अंदर गिरे हुए हैं, देख रहे हो, यहाँ पे भी गिरे हैं, देखो ये सारे शीशे हैं छोटे छोटे, मैं इसको यहीं पे रख दूंगा, कॉज अगर हम ये नीचे गिरा देंगे तो उसमें पाँव में किसी में चुभ जाएगा और हाथ वगैरह भी कट सकता है, तो फिलहाल इसको यहीं पे रख देते हैं। अभी जाते हैं इंश्योरेंस भी करवाने का, इसका इंश्योरेंस कंपनी में इसको लगाएंगे जमकाश में, जो कि आपको पता मारुति सुजुकी की गाड़ी है। सब्सक्राइबर्स मिले थे भाई, बोल रहा अपने फ्रेंड को भी कॉल करके बोलता हूँ, कौन से वाले ब्लॉग ज़्यादा से लगते हैं, श्वेता वाले या मेरे मोटो ब्लॉग वाले, सच बोलना, ऑनेस्ट रिव्यू दे दो। नहीं, ऑनेस्ट राइडिंग वाले अच्छे लगते हैं, श्वेता के रिलेटेड राइडिंग वाले ऐसे लगते हैं। आपको पता है कि जब क्यूट गर्ल आती है ना, हाँ सीक्रेट हो जाता है। अच्छा लड़कियों को ज़्यादा देखते हैं, लड़की ये मेरी रियल फैमिली है। क्या बोल रहे थे कि हमें मोटो व्लॉग अच्छे लगते हैं। इस बार का जो फ्यूल है ना भाई, बहुत ज़्यादा माइलेज दी मेरी सुपर बाइक ने, कॉज मैंने ना इसको गेरों के हिसाब से चलाया था, मैंने ना 15-25-35 के हिसाब से चलाया था, बड़ी प्यार से, तो भाई बहुत माइलेज दी। यहाँ से खोलते हैं लीड, ठीक है, देखते हैं आज। ये सिंपल वाला है ना, वहाँ पे देख रहे हो पुलिस वाले चचा ने उनको छोड़ दिया भाई, लड़कियों को, उन्होंने हेलमेट नहीं वेयर की थी, उनको कैसे छोड़ दिया भाई जाने के लिए, और हमें जब भी पकड़ते हैं ना हमें हमेशा चलान कर देते हैं। इस पे नहीं मारना, इसने भाई रेडिएटर जो है ना, ओ यार रेडिएटर पे नहीं मारना था पानी, ये जो है ना ये ग्रिल भाई, इस पे नहीं मारना, ये जो है ना दिखाओ इधर, खुद ही करनी पड़ेगी यार, पहले कीचड़ निकालते हैं, ठीक है। गाइस बाइक को अच्छे से पहले क्लीन कर लिया, उसके बाद अब इसकी वॉशिंग होगी प्रॉपर वाली, ठीक है एकदम से, कॉज इसके ना पता नहीं कौन सा केमिकल लगा रहा भाई, पिंक कलर का है मेरे को बॉटल जो दिखा रहे हैं, इसके अंदर रेडिएटर में पानी चले गया यार, मेरे को चेक करने दो टेम्परेचर कितना नीचे हो गया भाई, 45 पे वापस आ गया, देख रहे हो भाई 100 डिग्री टेम्परेचर था। पता है दोपहर को मैंने अपनी बाइक को वॉश कराया था, उसके बाद मैं घर आ गया था, मैंने अपना व्लॉग वगैरह एडिट किया, व्लॉग मैं सोच रहा हूँ ना रेगुलर करूँ यार, जैसे मर्जी हो, भाई वॉश करके यहाँ पे लगाया हुआ था मैंने इसको अच्छे से पार्क वगैरह करके, कॉज एकदम क्लीन लग रही है ना, किया क्या है बोल बोल, क्या किया, जला दिया, घी चल गया है, घी चले गया चाय में, तो आपके फेंकने चलाई है। हाँ पकड़ा गया भाई, चाय फेंकने के लिए चलाई, लेकिन कोई बात नहीं यार, ऐसे ही कुछ नहीं होता, पूरी खराब है, कुछ नहीं होता, स्वाद ही नहीं है, पूरा अलग हो रहा है, तूने खुद से बनाई है, खुद तो घी क्यों डाला था चाय में, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कितना पागल है, पापा नहीं बोलेगा कुछ, मैं बोलूंगा चाय डस्टबिन में कौन फेंकता है, चाय डस्टबिन में फेंक क्या है। हेलो यहाँ तो कोई बारिश नहीं पड़ रही है, तुम बोल रहे हो बाहर बारिश पड़ रही है,
सीन ये है कि मैं इसके साथ यहाँ इस टाइम कैसे मिलने जा रहा हूँ, आप भी सोच रहे होगे शाम को क्या सीन है। सीन ये कि भाई इसका ना ऑफिस की टाइमिंग है भाई। देखो यार, हम हर इंसान चाहता है कि ना अपनी जॉब में ना कहीं सेटल हो जाए। तो इसके अलावा आपको पता है मेरा एक ही फ्रेंड है सक्षम भाई, उसके साथ मैं इतने दिनों से मिला नहीं, वो भी मेरे से नाराज हो गया। बोलता भाई तू रोज रोज मेरे को बोलता मिलने आऊंगा लेकिन आता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ना जो मेरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट है भाई मेरी पर्सनल लाइफ के साथ, लेकिन सीन ये कि यार मैं खुद से ही डिमोटिवेट हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो इसीलिए मेरे ब्लॉग्स बहुत रुक रुक के आते हैं तुम सब लोगों के लिए। तुम बोलते हो कि भाई आते क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले मुझे फोर्स कर रहे हैं कि भाई तू ये मत कर वो मत कर। पहले पहले था कि ऐसा घर वाले फोर्स करते थे कि भाई ये काम नहीं करना तुझे, वो नहीं करना, लेकिन अब सीन ये है कि घर वालों ने बोला कि कर अब तू, मतलब जैसे तुझे अच्छा लगे वैसा कर। और मैंने ना लड़ झगड़ के बोला कि भाई मैंने यूट्यूब पे ही अपने आपको होल्ड करवाना है, ठीक है, तुम इतने सब लोग मेरे फैमिली हो भाई। लेकिन पता नहीं मैं खुद से क्यों डिमोटिवेट हूँ कुछ चीज़ों को लेके, अगर जैसा भी हूँ ना किस दुनिया के किस कोने से मेरे को देखते हो, लेकिन सीन ये है कि मेरे को खुद से अंदर से कुछ नफरत होती है अपने आप से ना भाई, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा भाई लाइफ में। लोग मेरी मेरी एज के लोग ना कहाँ से कहाँ पहुँच गए भाई। चाचा को क्या हो गया, ये मेरा थॉट कैसा है पता नहीं, क्या बोल रहा हूँ, गालियाँ पड़ेंगी तुम सब लोगों से जीनोसों को भेजने का अगर मैं सोच रहा हूँ। जो फुल फैमिली मेरे को बोलेगी कॉज मेरे को ना पैसों की भी नीड है बहुत ज़्यादा डेली ब्लॉग करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है भाई पैसे नहीं चाहिए, हर ब्लॉग बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपको पता होगा रिसेंटली हम ट्रिप पे गए थे भाई परसों, आपको मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि हमारा कितना ज़्यादा खर्चा आया भाई। लोगों को नहीं पसंद यार ये छोटी मोटी ट्रिप्स, आप जाओ यहाँ हिमाचल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कितना इन्वेस्टमेंट मैंने इस यूट्यूब पे किया भाई, बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, यहीं से KTM ली, RS ली, मैंने Z900 ली, लेकिन मेरे को ना वो रिस्पॉन्स नहीं मिला यार। मैंने बड़ी कोशिश की है, मुझे नहीं पता है मेरे में क्या कमी रह गई है यार। छोड़ दो यार इंसेंटिव बातों को, फिर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले श्वेता के पास, मैं उसके साथ भी ये सारी बातें बोलूंगा। अभी हम पहुंच चुके हैं गांधीनगर में और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, कॉज ना इनने लाइटनिंग वगैरह बहुत प्यारी सी लगाई हुई है। फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं कौन सी शॉप पे, कहाँ पे है। अरे बाइक भी अभी धुलाई थी लेकिन ये भी ख़राब हो गई, बहुत ही तेज़ बारिश पड़ रही है। दो सेकंड के नहीं रुका जाता तो उसे बोलने लग जाती है, तुमने क्या करना बारिश बारिश गर्मियों वाली बारिश में, तो उससे क्या होगा, बीमार नहीं होता कोई। ये केस कोई बोले कि ना मैंने अपनी सुपर बाइक बेचनी है Z900 यार, सच बोल रहा है यार, सच में मैंने डिसाइड किया हुआ है कि नहीं है मेरे को अभी आधा साल भी नहीं हुआ उसको लिए हुए, आधा साल तो हुआ नहीं है लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। छोड़ दूंगा ब्लॉग यार, बिजनेस छोड़, मैं सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है कि बिजनेस करेंगे, डूसे वाली बात भी बोल रहा हूँ यार, कोई अच्छी सी बोल रहा हूँ, कोई अच्छी बिजनेस खोलेंगे कोई तरीके से जिससे अच्छा भाई ग्रो भी आए। जो चीज तुम्हारी चल रही है उसको कैसे छोड़ दो, मजाक कर लिया अभी से कैसे बोल रहे हो, तो बेचना बेचना उसको के पीछे बड़े थे अब इसके पीछे बड़े हो। जो चीज़ काम नहीं हो रहा मेरे से बता तो क्या करना चाहिए भाई, जो चीज़ नहीं करना चाहिए हार्ड वर्क क्या करूँ यार, क्या पेशेंस तो है यार, पेशेंस वाली बात नहीं। बलून के साथ फोटो शूट हो रहा है, ये चेक करो भाई क्या बात है यार, है ना भाई, दिल होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए क्या, किसने दिया, हाँ आपने इसका पैसा तो नहीं ना लोगे हमें फोटो शूट कर, नहीं बात पक्की बात है। अच्छा कितने बेचे आज आपने, आज आज कितने बेचे, 20 बेचे, तो कितने पैसे हुए महीने दिन के, 200 बस, खुश हो इसमें, खुश हो, क्या करोगे 200 रुपए का, हम खाना ये ले लेते, क्या चीज, रोटी आटा ये सब, क्या बात है, मतलब 200 रुपए दिन का कमा के खुशी है लाइफ में या नहीं है, ठीक है थैंक यू, बच गया बाय थैंक यू। देखा अब कल बेचेगा थोड़े बाकी वाले गुब्बारे है, हमारी तरह थोड़ी है, हमें जो पैसा आता भी, मैंने तुम्हें बोला खुश रहना सीखो थोड़े में भी, कश्मीरी जैसी लड़कियां शॉल प्लेटती है, वो तुझे आता है प्लेटना, नहीं आता है ना, तो गाइस वो भी एक टैलेंट होता है जो कि इसको नहीं आता है, ऐसे नहीं होता वो।
मैं लड़की थोड़ी हूँ, मैं तेरे को स्कार बांधना है। अगर लड़कों में होता तो पक्का मेरे को फॉर श्योर आता, ठीक है। सो फाइनली गाइस घूम फिर के आ गए फाइनली हम घर पे, एक दोस्त सामने से भी आ रहा है देख। बाहर गया ना तो थोड़ा लाइट फील हुआ, जैसे मैं आपको पता थोड़ा अंदर से ना कभी कभी फ्रस्ट्रेशन सी चलती है इंसान को, लेकिन उसके साथ मिल के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आपने भी लास्ट ब्लॉग पे अभी जो कमेंट ट्रेंड किया, बोलते आपको कोई बंदा है अभी आपके साथ, उसके होते हुए आप और कहीं जाओगे तो अच्छा भी नहीं लगता। तो फिलहाल मुझे यहाँ जलने की स्मेल आ रही, मुझे नहीं पता क्या जलाया है इन्होंने, मुझे भाई ने कुछ चाय वाय बना रहा था ना, सो गया है बेचारा यार। ठीक है, सो गया, सो जाता है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राइड सेफ राइड हार्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल, बाय।